हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में कोई डिश नहीं शेयर कर रही हूँ, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बालों की समस्या का एक ही समाधान जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हेयर मास्क मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी। बालों का झड़ना, टूटना, रूखापन, मतलब जो भी समस्या है ना, ये एक हेयर मास्क से आप छुटकारा पा सकते हैं अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो। ये मैंने यूज़ किया है, मेरे ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क किया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ में भी शेयर करूँ। तो चलते हैं, हेयर मास्क बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इंग्रेडिएंट्स एक साथ में रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक केला लिया है और 2 चम्मच हमें लेना है दही। दही जो है थोड़ा सा खट्टा हो, इस बात का आप ध्यान रखें। और 2 मैंने लिया है अनियन, 1 लिया है नींबू और यहाँ पे मैंने लिया है एलोवेरा। तो ये पूरा एलोवेरा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा कट करके पीस में हमें डाल देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो केला है उसके छिलके निकाल लेंगे। तो केला के छिलके निकाल कर केले को अच्छे तरीके से कट कर ले, छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने केले को कट कर लिया है। उसके बाद ये एलोवेरा जो है इसे कट करेंगे। तो ये ऊपर का जो पोर्शन है एलोवेरा का, मैं इसे कट करके निकाल देती हूँ और अब इसे कट कर लेंगे। तो आज मैं आपके साथ में एलोवेरा कट करने की भी टेक्निक बताने वाली हूँ, एक टिप्स बताने वाली हूँ जिससे बहुत ही इजीली एलोवेरा कट जाता है और इसके अंदर के जो जेल होते हैं ना, बहुत ही इजीली निकल जाता है। तो देखिए, मैंने इसे पीस में काट लिया और इसे साइड साइड से कट करके निकाल लेंगे। जो थोड़े से कांटे के समान में होता है उसे कट करके निकालेंगे। और ये देखिए, मैं इसे बिल्कुल पतला पतला, मतलब इसके जो ऊपर के छिलके होते हैं ना, बस मैं वो निकाल रही हूँ। देखिए किस तरीके से बिल्कुल भी एलोवेरा का जो अंदर का जेल होता है वो नहीं आएगा। बस आराम से आप निकालिए, इजीली निकल जाता है। मैं हमेशा ऐसे ही कट करती हूँ, सबसे अच्छा मेथड मुझे लगता है एलोवेरा कट करने का। तो यहाँ पे देखिए, मैं सभी को अच्छे तरीके से बिल्कुल निकाल कर छिल लिया है, पूरे छिलके निकाल लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसे लंबे लंबे अच्छे तरीके से नीचे तक, बिल्कुल इसके जो छिलके हैं वो नहीं कटने चाहिए, इस तरीके से आपको कट करना है कि इसके छिलके जो है बिल्कुल भी ना कटे हो। और ये देखिए, मैं स्क्वायर शेप में इसे कट कर ली हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, एक ऐसा मतलब छोटा सा हमें चम्मच लेना है जो कि थोड़ा सा नुकीला हो और इस तरीके से निकालना है। आप देख सकते हैं मैं कितने अच्छे तरीके से फटाफट से निकाल ले रही हूँ और एलोवेरा का जो जेल है वो पूरी तरीके से निकल रहा है। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे डिवाइड हो जा रहे हैं इसके और अच्छी तरीके से निकल जा रहे हैं, देखिए क्यूब्स के जैसे। बहुत ही ईजी मैथड है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। एलोवेरा ईजिली पूरा निकल जाता है। उसके बाद हमें प्याज कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 2 प्याज ले रही हूँ और उसे कट कर लूँगी। तो रफली कट करना है क्योंकि इसे हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्याज को भी कट कर सकते हैं। तो मैं इसके छिलके निकाल लेने हैं पहले और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं प्याज को भी जो है अच्छे तरीके से कट कर लेती हूँ। उसके बाद लेंगे हम एक ग्राइंडर। तो यहाँ पे छोटा वाला जो मिक्सर का ग्राइंडर होता है आप वो ले लें, मैंने भी वही लिया है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे दही। तो छोटे चम्मच से देखिए, मैं 3 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद एक नींबू लिया है मैंने, उसे भी अच्छे तरीके से उसका रस निचोड़ कर डाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा छोटा सा नींबू दिख रहा था, बस इसमें रस ना बहुत ज़्यादा था। और अब इसे अच्छे से बिल्कुल कर लेंगे ग्राइंड। तो यहाँ पे मैंने कर लिया इसे ग्राइंड, बहुत अच्छे से पीस लिया है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ गया है, ये आप देख सकते हैं। अब कर लेंगे इसे एक बाउल में खाली। उसके बाद क्या करेंगे, अब बाल धो लेंगे पहले। तो एक दिन पहले आप बाल धो के बिल्कुल क्लीन कर लें, उसके बाद अच्छे से इसे बाल में लगा लें। और हफ्ते में आपको 3 दिन लगाना है। और बाल में लगाने के बाद आप इसे 2 घंटे रखिएगा, उसके बाद साफ़ पानी से बहुत सारा वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद जो शैम्पू आप यूज़ करते हैं उस शैम्पू से भी आप इसे अच्छे से वॉश कर सकते हैं। ये छोटे छोटे इसके जो चंक्स हैं ना, वो बाल में रह जाते हैं, इसलिए आप सादे पानी से बहुत अच्छे से बाल धोइएगा। जब बाल सूख जाएँ तो कंघी से अच्छे तरीके से निकाल लीजिए, बिल्कुल ईजिली निकल जाता है। फ्रेंड्स, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी मेरी अगली वीडियो में।